किसी वादे को तोड़ने से आपके सारे अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। तब जब वो वादा खुद से किया हो, क्योंकि जो स्वयं से किया हुआ वादा नहीं पूरा कर सकता, वो औरों के साथ किया हुआ क्या पूरा करेगा। महर्षि वाल्मीकि ने अपने ज्ञान और तप की सहायता से विश्व के महान ग्रंथ रामायण की रचना की, तो आइए उनके विचार जानते हैं। दृढ़ संकल्प लेकर आप कोई भी काम आसान कर सकते हो, पर जब आपके दृढ़ संकल्प के सामने सब परेशानियां छोटी हो, जीवन में सदैव सुखी मिले यह बहुत दुर्लभ है, क्योंकि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है, जो जीवन में हमेशा रहता है। दुख और विपदा जीवन के दो ऐसे मेहमान हैं, जो बिना निमंत्रण के ही आते हैं, क्योंकि दुख हमें जीवन जीना सिखाता है और विपदा हमें मजबूत बनाती है। मनुष्य का आचरण ही बताता है कि वह कुलीन है या अकुलीन, वीर है या कायर, अथवा पवित्र है या अपवित्र। इसलिए कामयाबी से ज्यादा ध्यान अपने आचरण पर देना चाहिए, क्योंकि जो अपना आचरण सही नहीं रख सकता, वो अपने व्यवहार के कारण जीवन में पीछे रह जाता है। संसार में ऐसे लोग थोड़े ही होते हैं, जो कठोर किंतु हित की बात कहने वाले होते हैं। बाकी लोग आपसे अपना फायदा निकालने में लगे रहते हैं, इसलिए ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए। सहयोग करने वाले और सबसे मिलकर रहने वाले की सदैव जीत होती है, क्योंकि वे लोग जीवन में कभी पीछे नहीं रह सकते, जो जीवन में कभी हार नहीं मानते और अपने साथ साथ औरों का भी हित सोचते हैं। क्रोध ही व्यक्ति के समस्त सद्गुणों का नाश करता है, इसलिए क्रोध का त्याग करो, क्योंकि यह आपके गले सद्गुणों पर भारी होता है, जो आपकी सारी अच्छाइयां मिटा देता है। धन्यवाद। अगर आपके पास अभी समय है तो यह जिंदगी बदल देने वाली वीडियो जरूर देखें।